अच्छा क्योंकि अब मैं और देव बहुत दिनों बाद साथ में हैं, तो अर्ज किया है. अच्छा ओके इरशाद कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर. नहीं नहीं चेंज द चैनल. ओके अर्ज किया है नौशा इरशाद कि क्या आप जीतेंगे. वाह क्या आप जीतेंगे. गहराई यही होगा आपके मन में ख्याल. गौर फरमाइए कि क्या आप जीतेंगे यही होगा आपके मन में ख्याल. हम आपसे पूछेंगे सिर्फ 9 सवाल. वाह 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 वाह. जी तुम्हें जीते इंडिया. और आज का ये सैटरडे नाइट स्पेशल डबल धमाका ब्रेन बाजी विद सुश्री सुकृति एंड देव श्रीमान देव. थैंक यू यार. आज हम आपसे पूछेंगे 9 सवाल. हर सवाल के होंगे 3 ऑप्शन, 2 गलत 1 सही, और ये सही जवाब पे ही आपको क्लिक करना है. और इसके लिए आपको मिलेंगे घड़ी से मिला के 10 सेकंड. क्या बात है. और अगर सारे सवालों के जवाब अच्छे से दे गए तो फिर आज रात के प्राइज मनी में आपका हिस्सा पक्का, एंड दैट इज 50,000 rupees. दूसरे शब्दों में सुकृति हाफ अ लाख रुपीस. क्या बात है. अच्छा ऑल क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्वेश्चन 7 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा दैट्स कॉल्ड द कल नायक सवाल. यानी कि ये वो सवाल है जो आप गेम के अंदर बाहर कहीं भी हो आप आराम से खेल सकते हैं. और अगर आपने सही जवाब दिया विदाउट यूजिंग अ गेम लाइफ तो सुकृति आपको एक गेम लाइफ दे देगी. उसमें देव का भी हाथ होगा, थोड़ा पांव भी हो सकता है. हां मतलब कुछ कुछ होगा कुछ. ओके आगे बढ़ते हैं. सस्पेक्ट बट देन शुरू करते हैं आज रात का डबल धमाका का ये सिलसिला विद सुकु एंड देव. और इस वक्त हमारे साथ ऑलमोस्ट 18,500 भारतीय जुड़ गए हैं टू प्ले ब्रेक बाजी डबल धमाका. खुशामदीद. शुरू करते हैं. पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे सुकृति की मधुर आवाज में ये रहा. थाई रोबोटिक एनिमेशन फिल्म याक द जायंट किंग एक रीइंटरप्रिटेशन है, इनमें से किसका. महाभारत का, रामायण का, या फिर जातक कथा का. अब जैसे बिकॉज आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड विद देव एंड यू नो होस्ट द शो, तो देव स्टोरी सुनाओ. ये मैं क्या स्टोरी का एटीएम हूं क्या. हां एक्चुअली देव इज द स्टोरी का एटीएम. अरे तो फिर देखो पौराणिक कथाओं में मतलब नॉट जस्ट इंडिया किसी भी सिविलाइजेशन की देख लो बहुत सिमिलैरिटीज होते हैं. जैसे इंद्र का वज्र एंड ग्रीस में ग्रीक में ज़ूस का वज्र. सिमिलरली कुर्म अवतार यानी कि कछुए का अवतार जो लॉर्ड विष्णु का था. और चाइनीज मिथोलॉजी में भी है एक कछुआ है जिसके सर के पीठ के ऊपर घर वर रखा हुआ है. वाह जी वाह. बट विद दैट द आंसर हैव आल्सो कम इन एंड द राइट आंसर इज रामायण. 12,000 मतलब 12,197 पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. भाई बहुत बढ़िया. और गेम लाइव इस्तेमाल हो गए हैं ऑलमोस्ट 2400. कोई बात नहीं. देखिए ये रामायण का एक थाई वर्जन है रामाकियन यानी कि ग्लोरी ऑफ रामा. लुक एट दिस द जायंट किंग. जायंट तो दिख रहा है किंग भी दिख रहा है. सही बात है. बढ़िया. ओके आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी पीपल आर लॉक्ड ऑन. और वो खेलेंगे 14,593 ब्रेनबाज होपफुल्स. सुकृति के मधुर आवाज में ये रहा. किस कंटेम्प्रेरी एक्टर की ग्रैंडमदर ने जंजीर में अमिताभ बच्चन की माँ का रोल निभाया था. वरुण धवन, इमरान हाशमी, या फिर रणबीर कपूर. हाँ तो मैं आपको ये बता रही थी कि चुपचाप खड़े रहो ये तुम्हारे बाप का घर नहीं पुलिस स्टेशन है. डायलॉग्स डायलॉग्स जंजीर. ऑफ कोर्स द आइकॉनिक फिल्म दैट गेव अस द एंग्री यंग मैन. वैसे लीड रोल पहले ऑफर हुआ था राजकुमार को. वो कैसे बोलते डायलॉग. जानी सीधे खड़े रहो ये तुम्हारे बाप का घर नहीं पुलिस स्टेशन है. वैसे इन्होंने काम करने से पता क्यों मना कर दिया था. क्यों? क्योंकि प्रकाश मेहरा जो थे जो डायरेक्टर थे उनके बालों के जो ऑयल था उसकी स्मेल उन्हें पसंद नहीं थी. वाओ जवाब लॉक इन हो गए हैं. इनके बाल बड़े अच्छे हैं. ये हैं इमरान हाशमी. 11,809 लोगों ने दिया है बिल्कुल सही जवाब. और चूंकि ये चीट कोड था देखो लाइव कितने कम यूज हुए हैं 682 ओनली. एक बात बताओ राजकुमार को क्या मतलब ऐसे सूंघ के रोल थोड़ी ना करना था. बट इमरान हाशमी ने अभी एक ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले जिसपे उन्होंने एग्जैक्टली ये लिखा था कि व्हाट अ अनकैनी कोइंसिडेंस कि 46 साल पहले उनकी ग्रैंडमदर ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था और 46 साल बाद वो उनके साथ काम किया. बताइए इनकी ग्रैंडमदर का नाम था पूर्णिमा दास वर्मा और इन्होंने ही जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन की मम्मी का रोल प्ले किया. और आगे बढ़ रहे हैं अब हम 12,491 बीबी डबल धमाका होपफुल्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 3 सुकृति की आवाज में नाउ ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. ये रहा पहली वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा फॉर्मर डैश की बेटी हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, या फिर होम मिनिस्टर. वैसे आई हैव नॉट एग्जैक्टली अ कंप्लेंट बट यू नो हम बहुत बार वुमेन अचीवर्स के बारे में बात नहीं करते हैं. You know? हाँ बट नाउ आई यू नो
टाइम्स अच्छे हैं, हम लोग कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट ओके, लेट मी आस्क यू दिस, क्विज है तुम्हारे लिए भी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा पाटिल। ओके, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। सिंपल। फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, किरण बेदी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर, सुचेता कृपलानी। नो, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, यस। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दैट विल बी मीरा कुमार। एंड दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि मीरा कुमार है किसकी बेटी? द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बेटी। बिल्कुल सही जवाब। और देखिए, 7,287 लोगों ने दिया है सही जवाब, और बाप रे 4,500 लोगों ने गलत जवाब दिया है, और जिंदगियां यानी कि गेम लाइव्स भी कुछ 3,500 इस्तेमाल हो ही गए हैं। अभी गेम में बचे हुए हैं 10,823 बीबी होपफुल्स। आपके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं टू क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू आर रेडी, सुकृति बिल्कुल तैयार है आपसे पूछने के लिए। ये रहा, हु इज द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन डिसेंट टू प्ले इन द यूएस प्रोफेशनल आइस हॉकी लीग NHL? रॉबिन बावा, मैनी मल्होत्रा, जुजार खेरा। भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस जो है ना, चार प्रोफेशंस में फंस जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर, इंजीनियर, फिल्म स्टार, क्रिकेटर। अच्छा, कबड्डी भी खेल सकते हैं लोग। हाँ, I know, वैसे और भी है, गोल्फ भी खेल सकते हैं, स्टापू, पिट्ठू, मारम पिट्टी, कैरम। अरे कैरम से याद है, कैरम में वो जो गीटी होती ना, उसी का बड़ा वाला गीटी आइस हॉकी में इस्तेमाल होता है। उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम आई नो दिस, उसका वो वैसा नाम बच्चों की चिल्ड्रंस बुक में एक एंजल का नाम भी होता है। जहां पे ऑलमोस्ट 6,000 लोगों ने गलत जवाब दिया है, बुलाइए उनको भाई साहब को। आइए, ये बनता है हमारा आज के गेम का पहला गब्बर सवाल। गब्बर सवाल। बाप रे, मुझे गौरव लग चाहिए। 5,710 लोगों ने कर लिया है अपनी जिंदगियों का इस्तेमाल, यानी कि अभी गेम में बचे हुए हैं 6,664, जहां पे 17,500 हमें देख रहे हैं। कोई बात नहीं, गेम खेलते रहिए। अब आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे टू क्वेश्चन नंबर 5। खूबसूरत सुकृति के मधुर आवाज में ये रहा। इतनी तारीफ हो गई। After losing his mother when he was just 1 year old, Dash never drew female faces in his painting. एम एफ हुसैन, राजा रवि वर्मा या फिर टाइप मेहता। हाँ, वैसे एम एफ हुसैन के बारे में कुछ बताओ। देखो, एम एफ हुसैन पहले फिल्म पोस्टर्स पेंट करते थे, वो होर्डिंग्स भी पेंट करते थे, फिर उन्होंने घोड़े भी पेंट किया और माधुरी दीक्षित करे। राजा रवि वर्मा वो घर की दीवारों में पेंट करते थे, एंड ये जो आप देखते हैं ना, देवती देवी देवताओं की तस्वीरें, कैलेंडर आर्ट, उन्होंने ही बनाए हैं, तो उनसे ही पॉपुलर हुआ। एंड टाइप मेहता, वेरी डार्क पेंटिंग्स, क्योंकि ही विटनेस द पार्टीशन, सो उनकी पेंटिंग्स में बहुत गहराई और डार्कनेस है। हां, बट इसी के साथ आंसर भी आ गया है, एंड द राइट आंसर इज एम एफ हुसैन। जी, बिना जूतों वाले। फिर से 2,063 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मगर ऑलमोस्ट 4,000 लोगों ने गलत जवाब दिया है। यानी कि ये बताएं हमारा दूसरा गब्बर सवाल। माधुरी दीक्षित, लुक एट मदर टेरेसा'स पेंटिंग, नो शकल, बट यू कैन मेक आउट, यू कैन मेक आउट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ओके जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही पेंट किया है। जो बचे हुए हैं गेम में 2,314 लकी बीबी होपफुल्स, ये है डबल धमाका सुकृति और देव के साथ। इफ यू आर रेडी विद क्वेश्चन नंबर 6, सुकृति इज रेडी विद इट। ये रहा आपकी स्पीच। ऐसा कहा जाता है दैट इंडियन पॉलिटिशियंस यूज्ड टू फियर ओनली गॉड और डैश, अ फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर। डैश भरिए, टीएन सेशन, जेम्स माइकल लिंडो या फिर वीएस रामादेवी। यार मुझे ऐसा लगता है, जैसे वो शोले में फिल्म में डायलॉग था ना, यहाँ से 50 कोस दूर, जब भी मतलब गब्बर का नाम सुनते सब डरते हैं, डर जाते हैं। ये पॉजिटिव गब्बर थे, पॉजिटिव गब्बर। हाँ, आई थिंक गब्बर फीलिंग सो हैप्पी कि उनको पॉजिटिव लाइट में देखा जा रहा है, पर मुझे लगता है कि इन दिनों में से राइट आंसर होना चाहिए जेम्स माइकल। क्यों? क्योंकि उनके नाम ही इतना कंफ्यूजिंग और भारी है कि नाम से लोग डर जाते हैं, नाम में वजन है। अच्छा अच्छा, मतलब जेम्स भी है, माइकल भी है, लिंडो भी है। अच्छा, तो व्हाट इफ आई से तिरुनेल्ली नारायण अय्यर सेशन इज द राइट आंसर, उसका क्या? ये उनका पूरा नाम, टीएन सेशन, दैट इज द राइट आंसर आल्सो। ओह माय गॉड, 1937 नहीं, मतलब मैं साल की बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल हु हैव गिवन द राइट आंसर। और कहा जाता है ही इज एक्चुअली रिमेंबर्ड एज द मैन हु क्लीनड अप इलेक्शंस इन इंडिया। सफा चार्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, दैट एंड दैट इज द राइट आंसर। और लाइव बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि आप फॉलो कर रहे हैं सिर्फ 19 लाइव, वेरी नाइस। सो 1956 द टोटल नंबर ऑफ बीबी होपफुल्स जो हमारे साथ लगे हुए हैं, मगर अब तो वो वाला सवाल आ गया है जो सब खेलेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 17,000 लोग जो सुंदर सुकृति
पीछे छुपे मुझे देख रहे हैं, आप खेलने जा रहे हैं कौन सा सवाल? क्वेश्चन नंबर 7, द खलनायक सवाल, यानी कि आप गेम के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं यू टर्न स्ट्रेट किसी भी ट्रैफिक सिग्नल में फंसे हुए हैं, आप ये सवाल खेल सकते हैं। सही जवाब दीजिए विदाउट यूजिंग गेम लाइफ और सुकृति की तरफ से गेम लाइफ ले जाइए, एक फ्री लाइफ आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे क्रिकेट रिलेटेड है, ये रहा, कौन से बॉलर हैज टेकन द मैक्सिमम विकेट्स फॉर इंडिया इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप? कपिल देव, अनिल कुंबले या फिर जहीर खान? अच्छा। यार वर्ल्ड कप बोलते ही ना आई गेट इमोशनल। 1983 वर्ल्ड कप, उफ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तुम कहां थी? मैं थी नहीं। मतलब कहां थी? छुट्टी पे मनानी की थी? नहीं नहीं, आई वाज नॉट बोर्न। यू नो आई फील सो यंग। उम्र का तकाजा कराते हुए, बट 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था वो मेरे को याद है। मैं था मैं था क्योंकि जब हम जीत गए ना तो हमने कहा चलो इंडिया गेट पे जाके सेलिब्रेट करते हैं, और हम निकले घर से और हम इंडिया गेट तक पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि द रोड्स वर फुल ऑफ पीपल, सब आए हुए थे बाहर। सही बात है, एंड 9,360 लोग भी बिल्कुल सही गेट पे पहुंच गए हैं। इट इज जहीर खान, दैट इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली, जहीर खान ने 44 विकेट लिए थे। हां, और कुंबले ने लिए थे 31 विकेट, और कपिल देव ने लिए थे 28 विकेट। शाबाश मेरे शेर, क्रिकेट के बारे में सुकृति रियली नोज अ लॉट। आई नो, मैं तो सिर्फ मतलब पिक्चर्स देख के खुश रह जाता हूं। बट ये बताओ, अब जब इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप तो तुम कहां देखोगे? हां, मैं सोच रही हूं कि इंडिया गेट पे पहले से ही देख लूं मैं। रुमाल रख देना। I can't do that. भाई होता है यार रुमाल, the power of रुमाल। Okay, 9,366 people, congratulations, आपको एक game life मिल गया है जो आने वाले games में बहुत इस्तेमाल होगा, बहुत सहायक सिद्ध होगा, किंतु परंतु मगर दो सवाल दो, I know, वो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना। दो सवाल, दो सवाल के उस और 50,000 धनराशि में से आपका अपना हिस्सा, और ये खेलने जा रहे हैं 1,801 PB डबल धमाका Hopefuls. Question number 8, Sukriti ki awaaz mein ye raha. Which of these famous personalities ne designs of mridangam and tabla ko bhi padha tha? Oye hoye, Amrita Shergill, Rabindranath Tagore, C.V. Raman. Achha, Amrita Shergill. Bata. A lot of people also know that she was a fantastic violinist. Ho sakta hai ki, you know, she studied the mridangam and the tabla. Rabindranath Tagore. Well, see, look at the poems and the songs that he made and he wrote. Indian classical ke baare mein full gyan tha. Music bhi wo khud dete the. Ho sakta hai ki unhone bhi iske baare mein. पेपर भी पब्लिश किया है ऑन द इंडियन म्यूजिकल ड्रम्स। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि कैसे तबले, ये देखिए कि कितनी स्याही होगी, कहाँ पे हिट करने से कैसा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आएगा। इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। इफ यू गेट योर हैंड्स ऑन इट, रीड अबाउट इट। 1,619 पीपल गॉट इट राइट। लाइव देखो कितने ज्यादा इस्तेमाल हुए, सिर्फ 3। शाबाश मेरे शेर। अब आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, 1,583 BrainBaazi hopefuls आप खेलने जा रहे हैं। Sukriti, are you nervous? Finally, I am a little nervous. Very good. Shoot the question. Very good. A song from which Vijay Anand film was featured in the famous American sitcom The Simpsons? हाँ, तीसरी मंजिल, Jewel Thief या फिर Johnny मेरा नाम? यार Simpsons में भी हम पहुंचे हुए हैं मतलब। यार absolutely। अच्छा interesting बात ये है कि विजय आनंद की अगर फिल्म है तो म्यूजिक usually आर डी बर्मन का होगा। अब आर डी बर्मन इंडियन म्यूजिशियन नहीं थे, he was a global musician मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ, अब देखो ना जैसे स्पेनिश म्यूजिक का इन्फ्लुएंस है, इंडियन क्लासिकल में तो बिल्कुल रमे हुए थे। ही वाज आल्सो देयर इन लैटिन अमेरिकन म्यूजिक, पैंटेरा करके उनका एक एल्बम भी है। या ही आल्सो मेड न्यू म्यूजिकल साउंड्स इंक्लूडिंग समथिंग कॉल्ड द मटका ड्रम। Also, एक जो बहुत पॉपुलर गाना है सर जो तेरा चक्रा है, वो एक्चुअली उन्होंने कंपोज किया था। वो अलग बात है कि उनके फादर ने यूज किया है ना मूवी। क्या बात है, आंसर लॉक इन हो गए। एंड द राइट आंसर इज जॉनी मेरा नाम। 1,411 पीपल गेटिंग इट एब्सोल्युटली राइट, एंड वक्त पर 19 लोगों ने किया है अपने लाइफ का इस्तेमाल। गाना कौन सा था? जॉनी मेरा नाम का गाना था, पल भर के लिए। वो फीचर हुआ था सिम्पसन्स के 17 सीजन के 17 एपिसोड में। झूठा ही सही। 1,430 पीपल किस किस बैंग बैंगलोर, ये एपिसोड का नाम था। किस किस बैंग बैंगलोर, राइट करेक्ट। बट अभी आई थिंक 1,430 लोग, यू गाइस डेफिनेटली आर द स्टार्स ऑफ द शो। एंड मेरे और देव के बीच में एक्चुअली शर्त लगी थी कि कितने गब्बर सवाल होंगे। कितने होंगे? आई थिंक यू वन। आई मैंने कहा दो। हां, तो देव और आप लोगों के लिए थोड़े तारे सितारे हो जाए। डोंट यू हैव अ वेल, हां, ओ
नॉट चैंपियन चैंपियन मिक्स कर दिया दोनों ओह अच्छा चैंपियन ओके कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डबल धमाका देखते हैं कि कितने लोग जीते 34 रुपए आपके 34 रुपए या अकाउंट्स में टी स्ली अनुज अमरनाथ रोशन एसके अहू आरके हैं वो एक्चुअली पीके झा विश्वा अकी सौविक अजहर अजहर भी जीत गए कुलान जे जे जी जे एच पासवर्ड नहीं बताते ऐसे पब्लिक में कितनी बार समझाया है अच्छा जी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो देखिए अभी नहीं जीते तो मन मैला मत कीजिए बाजी नाव पे जीतने का सिलसिला कंटिन्यूज रहता है हमेशा तो अभी 9 बजे खेलेगा पोल बाजी या फिर कल 4:30 बजे एकदम संडे की शुरुआत हो जाएगी विद बिंगो बाजी घूम घूम 8:30 बजे ब्रेन बाजी और फिर 9 बजे पोल बाजी और याद रखना मंडे टू फ्राइडे सुबह उठ के टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आप खेलेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी द इजीएस्ट क्विज टू विन दैट्स राइट अभी चलो तुमको मृदंगम और तबला वाला वो तुमको दिखा दो आई नो ओके बाय बाय